हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रेटिमन में। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिस जारी हुआ है, जहां पर दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एक तो पीजीटी के लिए और दूसरे बाल वाटिका शिक्षक के लिए। यहां पर सैलरी मैंने मेंशन कर दी है, पीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए सैलरी यहाँ पर 32,500 रहेगी, और बाल वाटिका शिक्षक की अभी तक की जो मैंने देखी है केवीएस में, जितनी भी बाल वाटिका शिक्षक की वैकेंसी निकली है तो सबसे ज़्यादा सैलरी यहीं पर है 26,250। तो चलिए सबसे पहले पीजीटी के सब्जेक्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर पीजीटी के तीन सब्जेक्ट की वैकेंसी है, फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की और हिस्ट्री की। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केंद्रीय विद्यालय में जो है वो भरपूर जो है वो वैकेंसियाँ आ रही हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हो, चाहे बाल वाटिका टीचर्स की हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आप अपने आप को जो है वो सेट कर लें, और उसके बाद साइड में जो है अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना तो वह भी आप कर सकते हैं। तो पीजीटी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो है इसमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, तो 2 साल का जो है यहाँ पर आपसे मांगा गया है एमएससी कोर्स फिजिक्स में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, या मास्टर डिग्री जो है वो आपने 50% अंकों के साथ हासिल की हो इन सब्जेक्ट में। फिजिक्स के लिए आपके पास जो है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से एक सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, यानी इनमें से आपने मास्टर डिग्री की हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपने इकोनॉमिक्स से, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने मास्टर डिग्री की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपने एमए की हो, साथ में जो है वो बीएड अगर आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक और जो है बहुत यहाँ पर लिख रखा है, अगर किसी ने बीएड नहीं भी की है तो उसके जो है वो मास्टर डिग्री में अगर 60% मार्क्स हैं तो भी यहाँ पर जो है वह एलिजिबल है, ठीक है। तो बीएड किया हुआ भी एलिजिबल है, और अगर बीएड नहीं किया है तो एमए में 60% मार्क्स जो है चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह पीआरटी की है, और पीआरटी बाल वाटिका के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले जो वीडियोस हैं अभी तक के 7-8 दिन के, तो आप सभी देखिएगा आप कहाँ पर एलिजिबल हो, किस जगह के लिए, तो उस के भी मैं आप लोग जरूर फॉर्म लगाएं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये सारा जो वैकेंसी निकल रही है बाल वाटिका में ये सब जो है वो स्टॉप होने वाली हैं, क्योंकि एडमिशन जो है वो हो चुके हैं बच्चों के, और अब जो है यहाँ टीचर्स को रख लिया जाएगा और फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पीआरटी बाल वाटिका 3 के लिए सीनियर सेकेंडरी क्लास 50% मार्क्स के साथ चाहिए, 12th 50% मार्क्स के साथ, और डिप्लोमा आपने कर रखा हो यहाँ पर नर्सरी टीचर एजुकेशन का, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये नर्सरी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो भी डिमांड की जाती है वो सभी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है, यदि आप यहाँ पर जो है सटीक बैठते हैं तो जरूर फिल करें। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत सारी जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो, एमएससी आईटी, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो, ठीक है, या फिर आपने बैचलर, मास्टर या मास्टर डिग्री एनी साइंस में कर रखा हो, और उसके साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो है ओ लेवल का और ए लेवल का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट विद ए लेवल फ्रॉम डॉएक और ओ लेवल फ्रॉम डॉएक, ठीक है, ये आपने कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर जो है बायलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, दोनों भाषाएं रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जितनी भी मार्कशीटें हैं आपकी, जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी ओरिजिनल और खुद के सिग्नेचर की हुई उनकी फोटो कॉपी, और साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो साथ में लेकर जाना है। तो आपको कहाँ जाना है चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जाना है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट है यहाँ पर, सैलरी जो है वो आपको यहाँ बहुत अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पर पीजीटी हो, पीआरटी हो या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, सभी के लिए जो है यहाँ पर इंटरव्यू 17/7/2023 को होगा। आपको रिपोर्टिंग करनी है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो है स्कूल में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। तो आप बायोडाटा जो है वो कैरी कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे साइट से, और इसको जो है पूरा भर लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये मेन साइट है आपकी दुलेजान डिब्रूगढ़ आसाम में है, ठीक है। तो यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में, ये मेन साइट है, तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल
टीचर, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी है, आप दोबारा से देख सकते हो। सेकंड नंबर पर है बायोडाटा फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ठीक है। तो यहाँ बायोडाटा आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पर जो एडवर्टीजमेंट जो जारी हुई सबसे पहले, तो ये वहाँ पर जो कि 10 तारीख को हुई, तो आप लोगों को जो है वो समय पर पहुँच जाना है। और मैंने आपको बता दिया 17 को आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इसी तरीके से जो है काफ़ी जगह से जो है वो केंद्रीय विद्यालय, मैंने आपको बताया कि 450 में तो बाल वाटिका टीचर्स की डिमांड हो ही रही है, इसके अलावा भी कई वैकेंसियां जो है वो आएंगी और आ भी रही हैं, तो मैं सभी आप लोगों तक जो है वो पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू।